आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चावल के हिस्से बनाने की रेसिपी। तो होली पर चावल के हिस्से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चावल के हिस्से बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये आधा किलो चावल लिए हैं, यानी कि 500 ग्राम चावल लिए हैं। इनको हमें भिगोना है 2 दिन के लिए। तो पहले हम चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे, यानी कि अच्छे से धो लेंगे पानी से। उसके बाद हम इसको भिगोएंगे, तो 2 से 3 बार चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल करके इसको भिगोने के लिए छोड़ दूंगी, और हम इसको 2 दिन के लिए भिगोएंगे, और 1 दिन बाद हम इसका पानी चेंज कर देंगे। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ और 2 दिन के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 दिन बाद चावल जो हैं वो अच्छे से भीग चुके हैं। ये देखिए, ये चावल अच्छे से भीग चुके हैं। अब हम इनका पानी निकाल देंगे और इनको 1 से 2 बार धो लेंगे। उसके बाद हम इसको जो है किसी भी एक कॉटन के कपड़े पर, या फिर आप टॉवल ले लीजिए, उस पर जो है डाल करके फैला देंगे और उनको सूखने देंगे। तो पूरा 20 से 25 मिनट के लिए हम जो है चावलों को इस तरीके से डाल करके पंखे की हवा में इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो मैंने ये चावलों को इस तरीके से फैला दिया है और 20 से 25 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, और ये चावल जो हैं अच्छे से सूख जाएंगे। तो 20 मिनट बाद चावल जो हैं ये देखिए अच्छे से सूख चुके हैं, इनमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं रहा है। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो पाउडर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये ग्राइंडर जार लिया है, इसमें हम चावल को डाल देंगे। तो पहले तो ये जो चावल हैं उनको क्रशर में डाल करके क्रश करते थे फिर बनाते थे, लेकिन अभी हमारे पास ग्राइंडर जार है तो हम इसमें जो है इसको पीस लेंगे। अभी हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। उसके बाद एक प्लेट में और उस छलनी से जो है हम चावल का जो आटा है उसको छान लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी चावल के पीसेस रह गए होंगे वो निकल जाएंगे। तो मैंने 2 बार में जो है चावलों को पीसा है। ये देखिए एकदम फाइन पाउडर जो है हमारा बनकर तैयार हुआ है। जो बाकी का दूसरी बार का चावल का आटा था वो भी हम छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको छान लिया है, और ये थोड़ा सा जो है पीसेस रह गए हैं उसको हम साइड में रख देंगे। अगर ज़्यादा पीसेस बचे तो आप दोबारा इसको पीस सकते हैं। और ये देखिए एकदम फाइन चावल का आटा हमारा बन चुका है। अब हम इसमें 250 ग्राम जो है बूरा डाल देंगे। अगर बूरा नहीं है तो आप पाउडर शुगर डाल दीजिए। तो ये 250 ग्राम मैंने जो है बूरा डाला है। बिल्कुल जितना हमने चावल लिए थे उसका आधा हमें जो है बूरा डालना होता है। तो इसको भी हम जो है छलनी से छान लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी लम्स होंगे वो निकल जाएंगे। और इस तरीके से हाथों से लम्स को ख़त्म करते हुए हम जो है इसको छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मावा। तो मावा मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम, यानी कि खोया। ये मैंने 150 ग्राम खोया लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसको जो है हाथों से अच्छे से जो है मसलना है, और जब तक इसको जो है मसलना है जब तक ये जो है एकदम डो की फॉर्म में ना आ जाए, एकदम चिकना ना हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है इसको मसलते रहेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और जैसे जैसे आप मसलते जाएंगे ये जो है बिल्कुल डो की फॉर्म में आने लगेगा। तो अच्छे से अपने हाथों से जो है इसको मसल लेना है। ये देखिए मैं इस तरीके से इनको जो है मसल रही हूँ, वैसे ही आपको भी जो है इनको मसलना है। तो थोड़ी देर में ही आप देखेंगे ये जो है डो की फॉर्म में आने लगा है। ये देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा और मसलेंगे और बिल्कुल जो है इसको डो की फॉर्म में ले आएंगे, एकदम चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इसमें जो है बिल्कुल भी दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, खुद ही जो है ये डो की फॉर्म में आ गया है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये ड्राई है तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो है दूध डाल दीजिए, 1 से 2 चम्मच। ये बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो हमारे चावल और मावा थे वो अच्छे से डो की फॉर्म में आ गए हैं। अब मैंने इसको एक बोल में निकाल दिया है, और अब हम इसके हिस्से बनाएंगे। तो अब हम इसमें से जो है थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इस तरीके से उसको हाथों से फ्लैट करेंगे।
तो बहुत ही आसानी से ये जो है आराम से फ्लैट हो जाता है। तो हमें इसको बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा लेना है और इनको हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है क्योंकि ये सिकने के बाद थोड़े मोटे हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इनको इस साइज़ का रखा है। इसी तरीके से हम जो है बाकी के हिस्से भी बना लेंगे। उसके बाद हमें इनको सेकना है तो उसके लिए हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है सारे हिस्से बना लेंगे। अब हम चलते हैं इनको डीप फ्राई करने के लिए। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ऑयल लिया है और ऑयल जो है अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें हिस्से डाल देंगे और हिस्सों को जो है सिकने देंगे। हिस्सों को जो है एक ही साइड से सेकना होता है, पलटना नहीं होता है, तो हम इनको एक ही साइड से सेकने देंगे और ऊपर से जो है स्पून से इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। कभी कभी जो चावल चावल के हिस्से हैं वो नहीं बन पाते हैं और जब हम उसको सेकते हैं तो वो कढ़ाई में ही फैल जाते हैं, तो उसके लिए आपको चावल एकदम पतले पीसने हैं और उसके डो को जो है एकदम चिकना कर लेना है, बिल्कुल जैसे हम गेहूं के आटे का डो लगाते हैं वैसा ही। तो अभी आप देख सकते हैं जो हिस्से हैं वो सिक चुके हैं एक साइड से, दूसरी तरफ से हमें इसको नहीं पलटना है। तो हिस्से हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ना कितनी आसानी से हमारे जो हिस्से हैं वो बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे हिस्से बनकर तैयार हुए हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। तो आप भी इस होली पर ही हिस्से बनाइए। तो अब हम जो है दूसरे बैच के हिस्से भी इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। आपको हिस्से कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बैच के हिस्से भी बना लिए हैं। ये हिस्से जो हैं बाहर से एकदम क्रिस्पी होते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं।